हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कंप्यूटर लर्निंग चैनल ऑन यूट्यूब। आज हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में सीखेंगे कि किस तरह से फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन का यूज़ हम डॉक्यूमेंट के अंदर करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डियर फ्रेंड, जो फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन है, इसका जो यूज़ होता है फॉर्मेटिंग को पेस्ट करने के लिए होता है। जी हाँ, जिस तरह से हम कॉपी और पेस्ट करते हैं और हम किसी भी टेक्स्ट या पैराग्राफ की कॉपी क्रिएट करते हैं, उसी तरह से फॉर्मेट पेंटर का जो यूज़ होता है फॉर्मेटिंग को पेस्ट करने के लिए होता है। इसका यूज़ किस तरह से किया जाता है आपको एक्सप्लेन करते हैं। मैंने डॉक्यूमेंट के अंदर दो टेक्स्ट टाइप किए हैं जो सेम हैं, जिसमें इंडिया लिखा हुआ है। हम एक काम करते हैं, फर्स्ट जो वर्ड है उसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम इसे बोल्ड करते हैं, अटैलिक करते हैं, हम इसमें अंडरलाइन का यूज़ करते हैं, उसके बाद हम इसमें कलर भी चेंज कर देते हैं और साइज भी हम इसकी चेंज कर देते हैं। ठीक है, हमने हमारे फर्स्ट टेक्स्ट को काफ़ी कुछ मॉडिफाई किया है, फॉर्मेट किया है। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि जो सेम टेक्स्ट हमारा सेकंड टेक्स्ट है, आप चाहते हैं कि इसकी जो भी फॉर्मेटिंग आपने अप्लाई करी है वो सेकंड टेक्स्ट या किसी भी पैराग्राफ पर हम अप्लाई करें, तो बहुत सिंपल तरीका है। आप सबसे पहले जो आपने फॉर्मेट किया है उस वर्ड को आप सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी। ठीक है, जब आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको क्या करना है, दूसरे टेक्स्ट या पैराग्राफ को आपको केवल सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको छोड़ देना है, तो आप देखेंगे कि जो फर्स्ट आपका वर्ड था सेम टू सेम, आपका सेकेंड वर्ड भी सेम हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअल में क्या हुआ है कि जो भी फॉर्मेटिंग आपने अप्लाई करी थी फर्स्ट पैराग्राफ पर, वो सारी फॉर्मेटिंग क्या हुआ है दूसरे टेक्स्ट पर भी अप्लाई हो जाती है। तो इस तरह से क्या होता है कि हम फॉर्मेट पेंटर का यूज़ अपने डॉक्यूमेंट में करते हैं। डियर फ्रेंड, आपने जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको पसंद आती तो प्लीज़ लाइक करिए और हमारी वीडियो को आपके फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करिए। और अभी तक आपने हमारे कंप्यूटर लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग कंप्यूटर लर्निंग चैनल ऑन यूट्यूब।